जो हमारा कुश्तीगीर है, वो लोगों ने उसको इतना पिटाया इतना पिटाया, इतना उसका साथ मारपीट किया कि हमारा देश का सम्मान आज मिट्टी में लुट गया। तो मैंने वो लोगों के साथ बात किया था दुपहर को, कि मैं बोला कि आप लोगों के साथ में हम लोग हैं और आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। आप जो मेडल जीता वो तो आपका परफॉर्मेंस के लिए, देश के लिए, वो मेडल आपका गौरव का बात है। तो आप मूवमेंट कीजिए, हम भी हमारा आपका साथ है, हम भी सॉलिडारिटी पूरा है। हम कल हमारा यूथ मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बोला है कि कल थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन को लेके एक रैली बनाए सॉलिडारिटी जनाने के लिए, खाजरा मोड़ से रविंद्र सरोवर तक। टाइम क्या क्या टाइम अरूप राय को, अरूप विश्वास को पूछने से बता देंगे। हमने देखा है जहां पर नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, वहीं पर एक और रेसलर्स लोगों को भी पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। ऐसे में रेसलर्स लोगों ने डिसाइड किया है कि उन्होंने जो भी मेडल जीता है वो अब नदी में बहा देंगे, यानी हरिद्वार की जो गंगा रिवर है उसमें बहाएंगे। ये स्टेप को आप क्या कहेंगे, कितना करना चाहिए इसको? देखिए, इसका बारे में हम बात नहीं कर सकते। हमारे साथ जो बात हुआ है हुआ है, हम उसका समर्थन में हूँ, लेकिन उन्होंने जो डिसीशन लिया है उनका डिसीशन है। उनको इतना हॉस्टाइल किया है, इतना टॉर्चर किया है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देने का बाद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना, क्या है? বাংলার আওয়াজ বাঙালির আবেগ জি 24 ঘন্টা।